नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप देख रहे हैं डायलॉग। तो मेरे पास आ गया है इन्फिनिक्स का लेटेस्ट लॉन्च इन स्मार्ट टीवी कैटेगरी, विच इज इन्फिनिक्स X3 सीरीज स्मार्ट टीवी। इससे पहले इन्फिनिक्स का X1 सीरीज था, जिसका भी मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू किया था, मेरे चैनल पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये है लेटेस्ट जनरेशन इन्फिनिक्स X3 सीरीज स्मार्ट टीवी। इसका टोटल दो वेरिएंट अवेलेबल है, एक है 32 इंच एंड दूसरा है 43 इंच फुल HD वर्जन। इसका प्राइस है अराउंड 20 to 22,000 के अंदर, क्योंकि ये कभी कभी ऑफर में 20,000 में मिलता है, जब ऑफर नहीं रहता तो ये लगभग वो 21 से 22,000 रुपए के प्राइस रेंज में बिकता है एक्सक्लूसिवली ऑन फ्लिपकार्ट। ये वाला टीवी मैं इस्तेमाल करो लगभग एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है। जी हाँ, पीछे यहां पर वॉल माउंट किया है क्योंकि ये टीवी मैं इस्तेमाल कर रहा था। एंड आज मैं बताने वाला हूं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा इन्फिनिक्स X3 स्मार्ट टीवी के साथ। बॉक्स के अंदर मिलता है कुछ यूजर मैनुअल एंड वारंटी इंफॉर्मेशन, उसके साथ साथ मिलता है दो स्टैंड। जी हाँ, जो टेबल स्टैंड होता है मेड आउट ऑफ ए गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक, वो आपको मिलता है। वॉल माउंट नहीं मिलता है, वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। बाकी अगर देखा जाए एक स्मार्ट रिमोट मिलता है, जो है एक स्मार्ट ब्लूटूथ रिमोट, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद ही बात करेंगे। उसके साथ साथ दो ट्रिपल ए साइज बैटरीज मिलता है, मतलब अलग से आपको बैटरी खरीदने की जरूरत नहीं। चले तो पोर्ट्स के बारे में, पीछे साइड अगर देखा जाए वहां पर आपको मिल जाए है हेडफोन जैक पोर्ट, उसके बाद मिलता है दो यूएसबी पोर्ट जहां पर आप कोई भी पेन ड्राइव लगा इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए आपको मिलता है HDMI पोर्ट एंड HDMI ARC पोर्ट। HDMI ARC पोर्ट जनरली इस्तेमाल होता है ऑडियो आउटपुट के लिए। जी हां, ऐसे बहुत सारे लाइक हाई क्वालिटी साउंड बार मिलता है या फिर होम थिएटर मिलता है जहां पर ARC इनपुट रहता है, तो वो पोर्ट भी यहां पर आपको मिल जाए। एंड बॉटम में भी आपको बहुत सारा कनेक्टिविटी दिया गया है, लाइक एंटीना पोर्ट है, डायरेक्टली आप लैंड कनेक्ट कर सकते हैं उसका पोर्ट है, और एक HDMI पोर्ट दिया गया है, एंड ऑडियो वीडियो इनपुट आउटपुट का जो पोर्ट्स है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ पोर्ट्स। एंड उसके अलावा अगर देखा जाए आपको डायरेक्टली वाईफाई कनेक्टिविटी मिलता है एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है। एंड वाईफाई में आप 2.4 GHz एंड 5 GHz दोनों का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके घर में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, वो भी आप डायरेक्टली अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं वाया वाईफाई। जनरली मैं जब टीवी रिव्यू करता हूं, मैं टेबल टॉप के ऊपर रख के रिव्यू करता हूं, लेकिन इस बार ये वाला टीवी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं पर्सनली, उसके वजह से मैंने इसको वॉल माउंट किया है। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, ये 43 इंच का फुल HD टीवी है, लेकिन यहां पर जो ब्रेजल्स है, ब्रेजल्स आपको बहुत ही नैरो, मतलब बहुत ही कम ब्रेजल्स देखने को मिलता है। एंड अगर मैं एक्चुअली ऑन पेपर देखूं तो यहां पर आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है वो है 96%, मतलब ये बहुत ही बढ़िया है। मतलब स्मार्टफोन में हम लोग को लगभग 90% मिलता है, लेकिन टीवी में यहां पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको 90% मिल रहा है, विच इज रियली गुड आंखों के प्रोटेक्शन के लिए। एंड बाकी सभी जितने भी लेटेस्ट सर्टिफिकेशन है वो सभी चीज आपको मिलता है इस डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले इज रियली गॉर्जियस। अगर साउंड परफॉर्मेंस देखा जाए, इस बार उन्होंने 36 वॉट बॉक्सी बॉटम फैनिंग स्पीकर दिया है, एंड जहां पर मैं बोलूंगा पिछले जनरेशन की टीवी से इस बार साउंड परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। तो मैं ऑलरेडी 50% खाली साउंड दिया, 50% साउंड ही मोर देन सफिशिएंट है। इस टीवी का सबसे ज़्यादा खासियत अगर देखा जाए, जितना मैंने अभी तक नोटिस किया है, इसका जो साउंड परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया है। अगर पिक्चर क्वालिटी देखा जाए, ये मैं प्ले कर रहा हूँ फुल HD एट 60 FPS पे। जी हाँ, HDR फुल HD 60 FPS वीडियोस आप प्ले कर सकते हैं यहाँ पर, एंड इट लुक्स रियली डैम गुड, बहुत बढ़िया लगता है। 60 FPS वीडियोस बहुत ही स्मूथ होता है, तो देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। एज यू कैन सी द पिक्चर क्वालिटी रियली गुड, काफी क्रिस्प है, शार्प है, फुल HD रेजोल्यूशन आपको मिलता है, तो इन टर्म्स ऑफ व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इस बार स्मार्ट रिमोट दिया गया, यहां पर कुछ डेडिकेटेड बटन्स है, एंड ये ब्लूटूथ रिमोट है, तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही आपको रिमोट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऊपर एक लाइट दिया गया है यहां पर, एंड यहां पर एक माइक एंड गूगल वॉइस असिस्टेंस का भी सपोर्ट यहां पर देखने को मिलता है, तो डायरेक्टली आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। वॉल्यूम बटन है यहाँ पर, होम बटन है, बैक बटन है, एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये वाला बटन आपको पिक्चर, साउंड एंड सिस्टम में सभी को चेंज करने को मिलता है, तो पिक्चर में जाने के बाद आप अपने हिसाब से पिक्चर क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। मैं डायनेमिक इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके बाद आप पर्सनल इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर साउंड देखा जाए, यहाँ पर साउंड में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलता है, प्योर साउंड है, उसके बाद आप साउंड कौन सा इक्वलाइजर इस्तेमाल करना चाहते हैं, दैट ऑप्शन इज अवेलेबल, सराउंड साउंड है, नाइट मोड ऑप्शन इज अवेलेबल,
अवेलेबल एंड मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर साउंड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, मतलब साउंड बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होता है जब आप प्योर साउंड को इनेबल या फिर डिसेबल करते हैं। और एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगा, साउंड ऑनली ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन मुझे क्यों अच्छा लगा, कभी कभी क्या होता है हम लोग टीवी का स्क्रीन बंद करना चाहते हैं, कोई म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, तो अगर आप साउंड ऑनली करते हैं तो बैकग्राउंड में अगर कोई यूट्यूब या फिर कहीं पर भी आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो म्यूज़िक चलेगा लेकिन जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाता है, फिर कोई भी बटन दबाएंगे वो स्क्रीन वापस आ जाता है। तो ये कुछ कुछ ऑप्शंस है, यहाँ पर आपको एकदम एंड्रॉयड का जो टीवी यूज़र इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलता है। डायरेक्टली हम लोग चले जाते हैं सेटिंग्स में एंड हियर इज़ द सेटिंग ऑप्शन, डिवाइस एंड परफॉर्मेंस के अंदर जाते हैं एंड अबाउट में जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पर एंड्रॉयड 11 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स विच इज़ रियली गुड, एकदम लेटेस्ट एंड्रॉयड मिल रहा है। एंड एंड्रॉयड टीवी ओएस का अगर सिक्योरिटी पैच देखा जाए विच इज़ February 1, 2022, ये भी ऑलमोस्ट आपका लेटेस्ट है इन टर्म्स ऑफ टीवीएस कंसर्न। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर देखने को मिलता है, मतलब अगर आप कोई भी एंड्रॉयड का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, दैट ऑप्शन इज अवेलेबल। एंड मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारा एप्लीकेशन जो जितने भी लेटेस्ट एप्लीकेशन है सभी यहां पर अवेलेबल है। और अगर आप देख रहे हैं यहां पर मैंने मेजरली एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लिए, स्टार्टिंग फॉर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब प्राइम वीडियोस, वूट, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, एमएक्स प्लेयर, जियो, एयरटेल एक्सट्रीम, गाना या फिर टीवीएफ, जो मैं जनरली देखता हूं वो सभी चीज यहां पर अवेलेबल है। तो जल्दी से मैं थोड़ा बहुत आपको एक बार डिज्नी प्लस हॉटस्टार में जाता हूं क्योंकि आजकल आईपीएल हम लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं तो हॉटस्टार में मैच देखने का मजा ही अलग है। अगर कोई भी एप्लीकेशन के अंदर आप कुछ भी पिक्चर या फिर साउंड चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत स्मूथ मोड में लाता हूँ एंड स्मूथ मोड में लाने के बाद यहाँ पर थोड़ा कलर थोड़ा अप हो जाता है क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कम करके देखता हूँ उसके वजह से ऐसा होता है। और यहाँ पर आप हाई रेजोल्यूशन क्रिकेट मैच भी देख सकते हैं एंड देखने में नो डाउट काफ़ी बढ़िया है। पिक्चर क्वालिटी अगर देखा जाए नो डाउट इसमें काफ़ी अच्छा दिया गया है। इस बार अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए काफ़ी फास्ट एंड स्नैपी है, इवन बूट अप टाइम भी यहाँ पर काफ़ी कम लग रहा है। सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्सपीरियंस वो काफी बेहतर हो जाता है क्योंकि इन्फिनिक्स ने इस बार एक नया प्रोसेसर इस्तेमाल किया है व्हिच इज फ्रॉम रियलटेक। ये है रियलटेक RTD 2841 व्हिच इज ए 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर एंड यहां पर आपको 1GB का रैम एंड उसके साथ-साथ 8GB का इंटरनल स्टोरेज भी दिया गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इसका परफॉर्मेंस मुझे काफी बढ़िया लगा। उसके अलावा भी इंटरनल अगर देखा जाए इंटेल में भी आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है विद लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच। मीडिया प्लेयर इज अवेलेबल, मतलब कोई भी आप पेन ड्राइव लगा के, ये तो इंटरनल स्टोरेज है, ये मैंने पेन ड्राइव लगाया तो कोई भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर कोई भी चीज़ देखना चाहते दैट यू कैन सी, दैट ऑप्शन इज अवेलेबल हियर। एंड जो बेसिक कुछ चेंजेस है दैट डेफिनेटली यू कैन डू वाया सेटिंग्स एप्लीकेशन, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सेटिंग्स एंड यू कैन सेटअप योर डिवाइस अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस एंड क्रोमकास्ट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल है। एंड डायरेक्टली जो ये शॉर्टकट बटन है दिस इज अ वेरी यूजफुल बटन दैट यू कैन चेंज लॉट ऑफ थिंग्स, टीवी प्लेसमेंट कहाँ है, आइडियल स्टैंड बाई ऑप्शंस, ऐसे बहुत कुछ है, सॉफ्टवेयर अपडेट ऑप्शंस आर अवेलेबल हेयर। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू एंड शॉर्टकट ऑप्शन वर्क्स प्रीटी फाइन, बहुत अच्छे से काम किया एंड दिस पिक्चर मोड इज़ वेरी यूजफुल, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे भी आप इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया है इस बार क्योंकि इन्फिनिक्स ने बहुत कुछ चीज़ों पर अपडेट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेस्ट कनेक्टिविटी बिकॉज यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ कनेक्टिविटी, उसके साथ साथ स्पेशली इसका जो फ्यूचरिस्टिक लुक है मतलब स्क्रीन टू ऑडियो रेशियो विच इज 96% विच इज इनसेन एंड ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी एंड साउंड परफॉर्मेंस इसका मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया है। आई हैव टेस्टेड आउट ऑल द OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, वूट, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, तो मैंने जितने भी लेटेस्ट OTT प्लेटफॉर्म्स है जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं मैंने यहाँ पर एक हफ्ते से सब चीज़ इस्तेमाल कर लिया एंड आई एम टोटली सैटिस्फाइड क्योंकि इससे पहले यहाँ पर मेरा एक सैमसंग का टीवी था, फाइनली मैंने स्विच करके ये वाला टीवी लगाया बिकॉज आई लाइक इट एंड सैमसंग के टीवी में मुझे थोड़ा सा दिक्कत था बिकॉज दैट इज ऑन टाइजन OS तो इसलिए सब सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा था, सब एप्लीकेशन एक्चुअली नहीं मिल रहा था एंड यहाँ पर एंड्रॉइड बेस है तो यू विल गेट ऑल द एप्लीकेशन एक्चुअली जो भी आपको चाहिए वो मुझे मिल गया है एंड दैट्स वाई आई पिक्ड दिस एज माई प्राइमरी टीवी जो मेरे घर में जनरली रहता है मेरे स्टूडियो में। एंड ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन अबाउट द इन्फिनिक्स X3 सीरीज टीवी विच इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट। इसका और एक वेरिएंट है दैट इज द 32GB 32 इंच एक्चुअली एंड दिस वन इज द 43 इंच वर्जन विच इज द फुल HD एंड 32 वाला आई थिंक HD है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इस टीवी के बारे में और भी जानकारी लेना है डू राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। सो इस वीडियो में अभी तक इतना है, दिस इज योर होस्ट मी साईं, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।